Welcome back. You're with Karishma on Desi Plaza TV. Thank you so much for staying there. Thank you so much for tuning in. We are with the team of Upasana, which is an organization here in Dallas-Fort Worth, and they are getting ready for a big day called Upasana Day on 8th of April. इससे पहले जब हम ब्रेक पे गए तो हम उपासना डे के बारे में बात कर रहे थे और संजीव अग्रवाल जी हमें बता रहे थे कि क्या कुछ होने जा रहा है उपासना डे के दिन. जी, तो अभी शुरू में सुबह का जो इवेंट है 10 बजे से शुरू होगा, वो पार्ट, दैट पार्ट वी आर एम्फसाइजिंग ऑन हेल्पिंग हाई स्कूलर चूज कॉलेजेस बेस्ट फिट. देयर इज लाइक रोहित जी एंड अदर मेंबर्स ऑफ दिस टीम जस्ट मेंशन्ड, देयर आर स्कॉलरशिप्स, प्राइज मनी, ग्रैंड टोटलिंग $5,000. सो That's a pretty nice amount. If your kids are needing a scholarship or some prize money, this would be a great opportunity. And all that college related, lot of nice activities, useful seminars, very useful information will be given by a lot of very known professors from very known universities. So that will be a good thing for parents and the high schoolers to come. And even if you have small siblings, young siblings, there are a lot of fun activities. Like a little carnival that has been arranged especially for them, so come enjoy all that. And as has been said several times during this show, this is all complimentary. There's no ticket to buy, just there no catch, no gimmicks, just come enjoy, have a nice fun day. And of course you're having a very known popular singer coming for a concert. Sanjeevani aa rahi hain aapke upasana day ke din कॉन्सर्ट लेके, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे. कॉन्सर्ट के बारे में किस समय शुरू हो रहा है, व्हाट इज द कैपेसिटी एंड हाउ लॉन्ग द कॉन्सर्ट विल लास्ट. जी, तो ये उपासना के अंतर्गत जैसे पहले मेंशन किया, तीन समितियां हैं. उनकी दो समिति, एक है उपासना संगीत समिति और दूसरी है उपासना कला समिति. मैं थोड़ा सा आगे अभी बताऊंगा जल्दी, बट एक सेकेंड के लिए मैं अंजनी बरनवाल जी जो बैठे हैं, ये उपासना कला समिति और इनकी श्रीमती जी प्रियंका बरनवाल उपासना कला समिति को हेड करती हैं. अच्छा. थोड़ा सा उपासना कला समिति के बारे में इनसे सुन लेते हैं जी, फिर मैं उपासना और शाम के ग्रैंड फिनाली शो जो संजीवनी कर रही हैं उसके बारे में जी बिल्कुल. अंजनी जी प्लीज. वेल, उपासना यूएसएस और यूकेएस, उपासना संगीत समिति और उपासना कला समिति, ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं. इसमें हम प्रमोट करते हैं अपने कल्चर को थ्रू आवर इंस्ट्रूमेंट्स, थ्रू डांस, थ्रू ड्रामा. तो इसमें हमने ये बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है. हम मोस्टली इसको बच्चों के साथ प्रमोट करते हैं ताकि इसमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी इन्वॉल्व हों. अच्छा. और हमने पास्ट में कई सारे ऐसे कल्चरल इवेंट्स किए हैं, फॉर एग्जांपल रामलीला और कुछ तरह के डांसेस, तो जिसमें बच्चों ने, बड़ों ने, सभी ने पार्टिसिपेट किया है. कुछ लोगों ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाए हैं, कुछ लोगों ने लाइव सिंगिंग की है, कुछ लोगों ने डांस किया है और कुछ लोगों ने ड्रामा किया है. एंड दैट इज़ व्हाट वी प्रमोट एंड वी इनवाइट ऑल द किड्स हु सो एवर आर इंटरेस्टेड टू कम एंड जॉइन इट. एंड इवेंचुअली यू नो दे गेट अ चांस टू गो इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस ड्यूरिंग यू नो डिफरेंट ओकेजन्स इन द ईयर. तो ये हमारा यूएसएस और यूकेएस का. अच्छा. सो हमने वर्कशॉप के बारे में भी सुना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशॉप्स हो रही हैं, उनके बारे में थोड़ी बताइए किस तरह की वर्कशॉप्स जो हैं उपासना डे के दिन आप आयोजन कर रहे हैं उनका, जो भी आप बताना चाहें. हाँ, उस जैसे उस दिन फेस पेंटिंग का हमने ऑर्गेनाइज किया है, मैजिक शो का ऑर्गेनाइज किया है किड्स के लिए, इसी तरह की और चेस कंपटीशन है जिसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें. आई मीन इट विल बी ए फन एक्टिविटी फॉर ऑल. और जैसा कि बताया कि वो कॉलेज के प्रोफेसर्स आ रहे हैं, कई सारे कॉलेजेस आ रहे हैं अपना बूथ लेके, जैसे कि जिसमें अपना यूटी डैलस पार्टिसिपेट कर रहा है, यूटी ऑस्टिन पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड सेवरल अदर कॉलेजेस लाइक सैम ह्यूस्टन विल बी पार्टिसिपेटिंग. एंड यू कैन लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स कैन कम लाइक द
high school seniors. Okay. They can come, they will know exactly, you know, how they should prepare. Correct. For colleges. Mm-hmm. And they so will have college counseling sort of a yes, workshop is okay. Yes, and moreover, all the many professors are renowned professors are coming from these colleges, and they will be holding a discussion. They will be telling them pros and cons, you know. Mm-hmm. And these are the activities. Absolutely, that absolutely. Yeah. And Karishma, would you like to add something? Yeah, Karishma ji, एक चीज मैं ऐड करूंगा. वर्कशॉप की बात हो रही है तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग की जो वर्कशॉप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है. अच्छा. हमारे इंडियन कम्युनिटीज़ में लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो इस वर्कशॉप में जो मेन फोकस है उसमें बच्चों के आगे फ्यूचर की पढ़ाई लाइक हायर एजुकेशन में हाउ पेरेंट्स शुड बी प्लानिंग देयर फाइनेंशियल्स एंड हाउ दे शुड बी सेविंग मनी फॉर देयर किड्स. There will be experts who will talk about it. There will be expert who will also talk about the will planning and estate planning, because इन सब के बारे में कम्युनिटी में ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्कशॉप. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव क्लैरिटी ऑन हाउ टू अप्रोच द कॉलेज, हाउ टू सेलेक्ट अ कोर्स, हाउ टू गो अबाउट स्कॉलरशिप. इफ यू हैव एनी सच क्वेश्चन यू शुड join us on April 8th. Mm-hmm. And besides that, we'll be having several college booths. So we'll be getting a real-time counseling about the courses, about the fee structure and various such things, whatever questions you have. And as we have been discussing, of course, if you have little kids, they can attend the workshop. We have actually planned a 30-minute session for various workshops like we are going to have yoga workshop, musical workshop, science workshop, magic workshop. So your kids will enjoy along with you. Thank you. Excellent. And Karishma, you to add that we won't keep you hungry. So there's a lot of food from different variety. Uh-huh. So is that for free or they have to buy it? Well, it's their choice and different kind of things. Okay. So different dishes. So yes, it's they have to buy for that. Okay. So there's a food court there, the food stalls there. Okay. Yes, and also since we are talking about what different activities, so this is an opportunity for anybody, maybe parents, kids, who wants to test their mental with grandmasters. So there will be chess grandmasters, 6 of them, and if you want to play fast or if you want to play a whole game, this is an opportunity to get in front of them. Okay, so whole lot of activities actually, and right from sports to culture to a lot of information about financial planning, education. So any message would you like, how this grand day will commence? I'm sure there must be a team, and much bigger team must be working behind this great big event, right? So how are you going to plan to manage it? Through volunteers? Great question, Karishma ji. So as you know, Upasana Day on April 8th is fast approaching. And we have a jam-packed day, from 10 a.m. all the way to 11:30 p.m. Which caters with programs catering the needs of everyone, like from students for college planning, educational guidance, financial planning, and quizzes, and culminating with the grand musical gala. So as you can imagine, event of this magnitude requires a lot of planning, a lot of help, and a lot of volunteers. And we seriously and looking for any help that we can get from adults as well as from high school or middle school kids. And of course, kids, they will get a volunteer our credit. So because we want that to, that was my next question. Yeah. Because we want to recognize and want to make sure that we encourage the spirit of volunteerism in our young kids as well as even for the adults. And as you know, volunteering is a very humbling experience because you are giving back to the community, and this is a not-for-profit organization. And we basically are doing organizing this good cause where not only helping the kids but promote the our North Indian culture. So I will earnestly request all the members and the community at large to come forward and volunteer in Upasana organization. I will promise you, you will have a great experience, and you will come again and again. So, and for further information, go back to our website at www.upasana.org,
org, and you will have details on whom to contact and email address where you can contact and send the volunteer request. Okay, so now can we talk about the grand finale? Sanjeev ji was talking about. Would you like to add some before he takes over? नहीं जैसा कि अभी बाकी थी हमने संजीवनी जी को हमने बुलाया है वो एक renowned बहुत famous Bollywood singer हैं और सबसे खास बात उनकी जो है वो ये है कि वो कई सारी भाषाओं में गाने गाती हैं और उसमें लोगों की रिक्वेस्ट पे भी वो जितना हो सकेगा उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करके गाना गाएंगी तो और उसके बाद उनके कई और कलाकार आ रहे हैं साथ में जो कि उनका साथ देंगे आई मीन इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट शो बाकी डिटेल्स आपको संजीव जी बताएंगे थैंक यू प्रवीण जी ठीक कहा आपने तो सबसे पहले जी ये बता दूं उपासना संगीत समिति और उपासना कला समिति की तरफ से ये ग्रैंड फिनाली शो एज अ थैंक यू टू द डैलस कम्युनिटी देयर इज नो चार्ज फॉर दिस ग्रैंड फिनाली बॉलीवुड कॉन्सर्ट और जैसा पहले मेरे कॉलीग्स ने कहा उपासना इज सच अ फास्ट ग्रोइंग संस्था तो जब वंस यू आर फास्ट ग्रोइंग एंड यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क इन द कम्युनिटी पीपल रिकॉग्नाइज दैट जब पीपल ने रिकॉग्नाइज किया तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी दे केम फॉरवर्ड तो वी वर एबल टू विद उपासना कला समिति एंड सपोर्ट ऑफ उपासना संगीत समिति एंड सपोर्ट ऑफ आवर स्पॉन्सर्स वी वर एबल टू कॉल अ वेरी गुड बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर जिन्होंने खुद भी बहुत फिल्मों में गाने गाए हैं और 1500 से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट्स करे हुए हैं आप लोग विकिपीडिया में जाके अगर संजीवनी भिलांडे के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितने हाई कैलिबर की ये आर्टिस्ट हैं प्लस ये मल्टीलिंगुअल हैं उत्तरी प्रदेश का जैसे मैंने पहले मेंशन किया मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल अपने नॉर्थ इंडिया में तो 50 मील पे भी जाइए तो डायलेक्ट बदल जाता है सही तो बात हम लोग ने जब ये डिसाइड किया था कि ये ग्रैंड फिनाली शो और उपासना डे पे एक बहुत गैला इवेंट करेंगे तब किस आर्टिस्ट को बुलाया जाए जो कि हमारे मैनिफेस्टो से मैच करता हो तो बहुत सारे इंटरव्यू करने के बाद ये डिसाइड किया संजीवनी भिलांडे जो कि मल्टीलिंगुअल है ये हिंदी में और बॉलीवुड के गाने तो गाते ही हैं मगर अगर आपको भोजपुरी में सुनना है बिहारी में सुनना है बंगाली में सुनना है मराठी में सुनना है यहाँ तक कि नेपाली और भूटानी में भी ये गाएंगे तो हम लोग वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वेरी अमेजिंग आर्टिस्ट हम लोग के साथ भी ये बीच में आएंगी 8 तारीख को जो है आपने पूछा 6 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा 3 घंटे नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट विद अ वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स इंक्लूडिंग सम पंजाबी भांगड़ा आपको झुमा के रख देंगी जी सो हमने इतनी बात की उपासना डे के बारे में अब तक हमने वेन्यू का जिक्र नहीं किया कि वो कह रहा है So this is happening at MacArthur High School in Irving, Texas, off of 183 and MacArthur. So known place. It's a big high school. So वहाँ पर है सुबह 10 बजे से रात के 11:30 बजे तक कभी भी आइए. Everybody is welcome. So basically we are celebrating spring on the beautiful day of 8th April as Upasana Day. जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे सुनने वालों? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ. जी. लोग अब ये उपासना के बारे में बात हुई फास्ट ग्रोइंग मगर लोग पूछेंगे व्हाई शुड आई ज्वाइन उपासना व्हाट इज देयर फॉर मी तो मैं उपासना संगीत समिति और उपासना कला समिति की तरफ से बता दूं ऑफ कोर्स आपने सबसे सुना कि बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स और प्राइज मनी तो हम लोग ऑफर करते ही हैं USDC के थ्रू उपासना स्कॉलरशिप डेवलपमेंट स्कॉलर डेवलपमेंट के थ्रू बट उपासना संगीत समिति और उपासना कला समिति अब देखिए आपको अगर कोई शौक है आप गोल्फ खेलने जाते हो टेनिस खेलने जाते हो यदि आपको संगीत का शौक रहा है आप हमेशा चाहते रहे हो कि जो है हम संगीत सीखें गाएं कुछ बजाएं पब्लिक के सामने गाएं तो हम लोग साल में 4 अपॉर्चुनिटी 4 इवेंट्स करते हैं जिसमें उपासना संगीत समिति आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि प्रैक्टिस करके आपको गाइडेंस के साथ पब्लिक के सामने 100, 150, 200, 500 लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी देती है गाना गाने के लिए या इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिक बजाने के लिए इसी तरह कला समिति में आपके बच्चे और आप कुछ ड्रामा करना चाहें कुछ डांस दिखाना चाहें तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ है कोई और संस्था जो है आपको 500 का ऑडियंस नहीं दे सकती मगर हम लोग वो अरेंज करते हैं और इसी तरह इनकरेज करते हैं
Well, with this beautiful message, जाने से पहले एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ आए और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताया. और आई थिंक मोर देन अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेटफॉर्म, एक होता है कि अपनी कम्युनिटी के साथ मिलके दो घड़ी बिताना, और अगर इस बात का अवसर आपको उपासना के ज़रिए मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है. और मुझे बड़ा आनंद आया आप सबसे बात करके. बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए. आप सबको उपासना दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. और अपने दर्शकों से हम अब विदा लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. दिस इज़ करिश्मा साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग देसी प्लाजा टीवी.